श्री गुरु तारण चरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा रचित श्री चौबीसठवां ग्रंथ। गुरुदेव यहाँ जीव के संसार में जिन 24 स्थानों में परिभ्रमण होता है उनका स्वरूप बताते हुए संसार के इन 24 स्थानों जनित दुखों से छूटने का, मुक्त होने का उपाय प्रस्तुत कर रहे हैं। कल तक हम लोगों का अपकाय निरूपण तक वांछन हुआ है, पृष्ठ 113 पर। आगे तेज काय का निरूपण प्रारंभ करते हैं। तेज काय का अर्थ है अग्नि काय। जीव अग्नि काय में किन परिणामों से जाता है, किस प्रकार के दुख भोगता है, तेज काय से संबंधित दुखों से छूटने का क्या उपाय है, इन सभी रहस्यों को गुरुदेव ने इस प्रसंग में स्पष्ट किया है। तेज काय से संबंधित बात कहें इसके पहले अपने तेजोमय स्वभाव की साधना आराधना जीवन का उद्देश्य है, इस बात को गुरुदेव यहाँ सबसे पहले कहते हैं। अपने ज्ञानमय इष्ट स्वभाव की साधना से जीवन में क्रांति होती है, अज्ञान आदि विकारों का विलय होता है और क्या क्या घटित होता है, क्या उपलब्धियां होती हैं, तेज काय निरूपण में इन सभी रहस्यों को कहेंगे। अथ तेज काय निरूपणम एक इंद्रिय निरूपणम स्थावर गति स्थान ज्ञान आवरण थावर तेज काय निरूपणम गति त्रियंश स्थान ज्ञान आवरण थावर। आयरन आयरन शुद्ध मुक्ति गामिनो कस्य आयरन उत्पन्न उत्पन्न आयरन उत्पन्न विंद उत्पन्न विज्ञान उत्पन्न पद उत्पन्न अर्थ उत्पन्न अवकाश उत्पन्न अनमोल उत्पन्न क्षिपक उत्पन्न मुक्ति रमण उत्पन्न ज्ञान रमण आनंद नंद श्री रमन आयरन श्री मुक्ति स्वभाव जदि विशेष उत्पन्न सर्वे सहकार उत्पन्न उत्पन्न हितकार आयरन हितकार उत्पन्न हितकार स्थान इष्ट भय विनश हितकार उत्पन्न भय विनश हितकार अचक्य भय इष्ट विनश्य अचक्य रूप उत्पन्न भय इष्ट विनश्य स्वयं ज्ञान रमन आयरन रमन काय रमन। तेज काय निरूपण करते हैं। तेज काय एक इंद्रिय जीव है, गति स्थावर है, ज्ञान स्वभाव पर आवरण करने से स्थावर पर्याय में जीव जाता है। तेज काय के निरूपण में त्रियंश गति ज्ञान स्वभाव पर आवरण और स्थावर रूप परिणमन। शुद्ध आचरण में रत होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कस्य आयरन उत्पन्न ऐसा आचरण किस जीव को उत्पन्न होता है, गुरुदेव कहते हैं जिन जीवों के अंतर में निर्विकल्प स्वानुभूति उत्पन्न होती है उन्हें यह आचरण प्रकट होता है। उनके अंतर में विज्ञान पद अर्थ अवकाश अनुबोध छायिक भाव मुक्ति रमण ज्ञान रमण नंद आनंद इष्ट स्वभाव की दृष्टि स्वयं का सूक्ष्म छायिक स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। मोक्ष लक्ष्मीमय स्वभाव में रमण आचरण करने से मुक्ति स्वभाव प्रकट होता है।
यदि विशेष अपने सर्व प्रकार से आत्म स्वभाव का सहकार करके स्वानुभूति में जीव रमता है, हितकारी सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है। हितकारी स्वभाव में आचरण करने से, सम्यक ज्ञान के प्रकट होने से, स्वभाव के आश्रय से इष्ट भय विनष्टे हैं। हितकारी स्वभाव की स्वानुभूति प्रकट होने पर भयों का अभाव होता है। हितकारी स्वभाव से अशक्य भय, इष्ट भय नष्ट होते हैं। अचक्षु दर्शन के द्वारा अपने स्वरूप को उत्पन्न करने पर इष्ट स्वभाव के प्रति जो शंकाएं, भय आदि होते हैं, ये सब विनष्ट जाते हैं और ज्ञानी अपने स्वयं ज्ञान स्वभाव में रमण करते हुए स्वरूप में आचरण करता है। क्रांति, ज्ञान विज्ञान स्वभाव के आचरण से क्रांति होती है, ऐसा मार्गदर्शन गुरुदेव ने यहाँ आगे दिया है। पृष्ठ 114 पर क्रांति, इष्ट ज्ञान विज्ञान श्रीयायरन क्रांति उत्पन्न इष्ट पूर्व सहकार पुरुष क्रांति रमन आयरन पास अस्फटिक अन्यान विली ज्ञान अनमोद स्वरूप स्वभाव ज्ञान प्रियो ज्ञान इष्ट ज्ञान कमल ज्ञान रमन श्री अनंत ज्ञान फटिक स्वभाव रमन आयरन उत्पन्न अस्फटिक सिय स्वभाव पास स्वरूपम सूक्ष्म अवगाहन हित मित परिणय कोमल क्रांति सिद्ध स्वरूप श्री ज्ञान मुक्ति श्री सिद्ध स्वभाव पास आयरन रूप अरूप रूपी विलय अरूप रूप रूप विविक अनंत रुचि प्रियो ज्ञान रुई प्रियो ज्ञान विज्ञान रमन आयरन ज्ञान शुद्ध सुखीय स्वभाव दृष्टि आयरन उत्पन्न अवकाश अनमोद कृपक अरुवे तदि मुक्ति सौख्य चार अनमोद ज्ञान हितकार आयरन शब्दस्य विशेष चार शब्दस्य दिन शब्द अशब्द ज्ञान अशब्द गुपित शब्द ज्ञान उत्पन्न शब्द ज्ञान स्वरूप ज्ञान विज्ञान आयर लब्धि अलब्धि लब्धि स्वयं लब्धि मन विशेष चार इष्ट मन ज्ञान मन उत्पन्न मन ज्ञान रंज रमन ज्ञान रमन मन ज्ञान विज्ञान रमनस्य श्री ज्ञान हितकार विन्द विज्ञान उत्पन्न हितकार आगंतु ज्ञान हितकार हित ज्ञान उत्पन्न हित हुंतकार ज्ञान उत्पन्न हितकार रंजिन रंज रमन जिन नाथ रमन अचक्य दर्श दर्श अनंत अलख्य ज्ञान रमन विशेष कृपक विशेष ज्ञान पद विज्ञान ज्ञान रमन ग्राह अनंत बाधा रहित आयरन तीर्थंकर स्वभाव। इष्ट ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमण करने से आचरण करने से क्रांति होती है। पूर्व का सहकार करके इष्ट स्वभाव को जीव प्रकट करता है, इस पुरुषार्थ से क्रांति घटित होती है। इस फटिक मणि के स्वरूप के समान शुद्ध स्वभाव में आचरण करने से अपने अनुभूति में रमन होता है,
स्फटिक मणि के समान स्वभाव का अनुभवन होने पर अज्ञान दिलाता है। प्रिय ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से ज्ञानी ज्ञान स्वरूप मय रहता है। कमल स्वभाव इष्ट ज्ञान मय है, इसी ज्ञान में रमण करो। मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप अपना अनंत ज्ञान स्वभाव पूर्ण स्फटिक मणि के समान शुद्ध है, ऐसे स्वभाव में लीन रहो। स्फटिक के समान अपना सिद्ध स्वभाव है, इसी के आचरण को उत्पन्न करो। सूक्ष्म स्वरूप में अवगाहन करो, इसी की अनुभूति करो। सिद्ध स्वरूप कोमल स्वभाव है, इसी रूप परिणति बनाओ, यही हितमित है, इसी से क्रांति होती है। ज्ञान लक्ष्मीमयी अपना मुक्ति श्री सिद्ध स्वभाव है। अरूपी स्वरूप में आचरण करने से, उसका अनुभवन करने से रूपी कर्म आदि संयोग संबंध विलय को प्राप्त होते हैं। अपना अरूपी स्वरूप समस्त रूपों से रहित है। अपने प्रिय अनंत स्वभाव की रुचि जागृत करो। प्रिय स्वभाव की ज्ञान स्वभाव की रुचि बनाओ, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में भ्रमण करो। अपने शुद्ध ज्ञान में सुखी स्वभाव का आचरण ही प्रयोजनीय है। छायक अरूपी स्वरूप की अनुमोदना करके निस्वभाव में दृष्टि लगाओ, इसी से स्वभाव में लीनता रूप आचरण प्रकट होगा और मुक्ति सुख अर्थात अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएंगे। हितकारी ज्ञान स्वभाव में आचरण की ही अनुमोदना करो। शब्द विशेष चार रूप होते हैं, शब्द अशब्द गुपित शब्द और ज्ञान स्वरूप रूप शब्द। ये सब जिनेन्द्र परमात्मा ने अपने ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति के लिए कहे हैं, इसी ज्ञान विज्ञान स्वभाव में आचरण करो। जिस स्वरूप को अभी तक प्राप्त नहीं किया है उसे उपलब्ध करो, स्वयं में ही उसकी प्राप्ति होनी है। ज्ञान विज्ञान में अपनी मुक्ति श्री स्वभाव की महिमा को देखो, पुरुषार्थ पूर्वक अपने सिद्ध स्वभाव में अव्यावाद हितकारी शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव में अवगाहन करो, उसी में रमण करो, उसी में आचरण करो। मन को अपने परमात्म स्वरूप की साधना में लगाओ। इस मन के चार विशेष भेद कहे हैं, इष्ट मन, ज्ञान मन, उत्पन्न मन और ज्ञान रमण मन। ज्ञान स्वभाव में ही रंचायमान करके अपने स्वरूप में ही लीन रहो, ज्ञान विज्ञान में रत रहो। ज्ञान स्वभाव ही मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप है, इसी का सहकार करने से सिद्ध अर्थ उत्पन्न होता है। हितकारी विज्ञान स्वभाव की स्वानुभूति को निरंतर उत्पन्न करो। हितकारी ज्ञान स्वभाव इसी साधना से प्रगटेगा, अर्थात सम्यक ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि आदि क्रम क्रम से ये वृद्धि को प्राप्त होंगे। जिस ज्ञान से हित हो यही ज्ञान हितकारी है, इसी हितकारी ज्ञान स्वभाव की हुंकार भरो, इसी को प्रकट करो। इसी हितकारी ज्ञान स्वभाव के साधन में रंचायमान रहो, जिन स्वभाव में रमण करो, जिन नाथ स्वभाव में रहो, अचक्षु दर्शन आदि से अपने ज्ञान दर्शनमयी परिणाम को देखो। अनंत अलग स्वभाव है, स्वर अक्षर आदि के माध्यम से अंतर ज्ञान स्तर उत्पन्न होता है, यही ज्ञान रमण विशेष है। छायिक स्वभाव विशेष है, ज्ञान विज्ञान में लीन हो जाना रमण करना ही पूर्ण ज्ञान पद है, केवल ज्ञान पद है। बाधा रहित अपने अनंत स्वभाव में आचरण करना, इसी स्वभाव को ग्रहण करने से तीर्थंकर पद प्रकट होता है। इस प्रकार गुरुदेव ने अपने तेजोमय स्वभाव की साधना इन सूत्रों के माध्यम से की है। स्वभाव को भूलकर जीव जब इंद्रिय स्वभाव की ओर देखता है, इंद्रियों के विषयों की ओर दृष्टि करता है, अंतर में पर्याय दृष्टि की विशेषता होती है, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तेंद्रीय शब्द आया है, तेंद्रीय से अभिप्राय यहाँ तीन इंद्री का नहीं लेना, यहाँ तेंद्रीय का भाव
तेज काय में जाने वाले जीव का स्वभाव इंद्रिय रूप हो जाता है, ऐसा यहाँ भाव है। एक इंद्रिय रूप उसका स्वभाव हो जाता है। इस अभिप्राय से यहाँ आगे के सूत्र हैं, यदि तेंद्रिय से तेज काय निरूपणम, पृष्ठ 115 पर जो पैराग्राफ का समापन है, मुक्तिगामिनो भवतु, यहाँ तक वांछन है। यदि तेंद्रिय स्वभाव केन विशेष, मनरंजन गारव स्वभाव, जनरंजन स्वभाव, तदि स्वभाव मान रमन स्वभाव, कलरंजन स्वभाव, कसाय मल स्वभाव, पर्याय दृष्टि स्वभाव, पर्याय इष्टि स्वभाव, दर्श अदर्श अंध सूक्ष्म स्वभाव, न दिष्टन्ति मिथ्यात्व स्वभाव, प्रकृति राग प्रकृति दोष, तेंद्रिय उत्पन्न, तेंद्रिय स्वभाव, तेंद्रिय मिलन, तेंद्रिय रमण, तेंद्रिय रंज, तेंद्रिय आनंद, तेंद्रिय वास, तेंद्रिय उक्त, तेंद्रिय वयन, तेंद्रिय दृष्टि, तेंद्रिय इष्टि, तेंद्रिय गम, तेंद्रिय अगम्य, तेंद्रिय स्वभाव, तेंद्रिय आहार, तेंद्रिय ठिदि, तेंद्रिय चलन, तेंद्रिय बलन, तेंद्रिय निद्रा, तेंद्रिय आसन, तेंद्रिय सुरशब्द, तेंद्रिय अदिष्ट सुरशब्द, तेंद्रिय गुपित सर, तेंद्रिय उत्पन्न सर, तेंद्रिय चक्य, तेंद्रिय गुपित, तेंद्रिय मन, तेंद्रिय वचन, तेंद्रिय क्रांति, तेंद्रिय शयनासन, तेंद्रिय ग्राह, तेंद्रिय हितकार, तेंद्रिय अवगाह, तेंद्रिय बाधा स्वभाव, तेंद्रिय भय, तेंद्रिय उत्पन्न भय, तेंद्रिय दृष्टि भय, तेंद्रिय जड़ भय, तेंद्रिय ज्ञान रमन, तेंद्रिय विज्ञान रमन, तेंद्रिय प्रियो, तेंद्रिय रू, तेंद्रिय अक्षर, तेंद्रिय सुर, तेंद्रिय व्यंजन, तेंद्रिय मात्रा, तेंद्रिय कानों, तेंद्रिय पद, तेंद्रिय अर्थ, तेंद्रिय त्यर्थ, तेंद्रिय सहकार, तेंद्रिय समय, तेंद्रिय अवकाश, तेंद्रिय रमन, तेंद्रिय लंकृत, तेंद्रिय मई, तेंद्रिय नाना प्रकार, तेंद्रिय स्वभाव, स्थान आयरन भवतु, अनंत तेंद्रिय स्वभाव, तेंद्रिय अनंतानुबंध, तेंद्रिय स्वभाव, तेज काय जीव उत्पत्ति, योगहीन संयोग चतुष्टयहीन, रमन अनंत मुहूर्त 12,024 बार, अंतर मुहूर्त तेज काय मरई जन्मही, अनंत काल कालंतर जामन मरनम भवतु, अनंत काल तेंद्रिय स्वभाव, यदि कालंतर तेंद्रिय विरत, कोमल सहकार ज्ञान अवगाह, ज्ञान अनंता अनंत मल विली विषय विली विनंद विली, तेंद्रिय उत्पन्न विली, तेंद्रिय भुक्त विली, तेंद्रिय अनुमोद विली, ज्ञान रमन उत्पन्न अनुमोद विली विषय विली अंगता, तदि मुक्त स्वभाव रमन ज्ञान मुक्तिगामिनो भवतु। इति तेज काय निरूपणम्। अभी पीछे कहा था अपने ग्रहण करने योग्य बाधा रहित अनंत स्वभाव को ग्रहण करने पर उसमें आचरण करने से तीर्थंकर पद प्रकट होता है, परमात्म पद प्रकट होता है। अपने सत स्वरूप का विस्मरण करके जीव जब विभावों की ओर देखता है, पर्यायों की ओर देखता है, आचार्य ऐसे तेज काय में जाने वाले जीव के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। यदि तेंद्रिय स्वभाव केन विशेष, यदि कोई जीव तेज काय रूप एक इंद्रिय में जाने वाला है तो उसका स्वभाव किन विशेषताओं में होता है। मनरंजन गारव स्वभाव होता है, जनरंजन स्वभाव, इन सब के साथ मान में रमण करने का स्वभाव, अहम करने का स्वभाव, कलरंजन स्वभाव,
कषाय विकार करने का स्वभाव, पर्याय दृष्टि से देखने का स्वभाव, पर्याय को इष्ट मानने का स्वभाव, देखने योग्य है या नहीं देखने योग्य है, ऐसे विवेक रहित अंधा होकर जीव सूक्ष्म स्वभाव को नहीं देखता, मिथ्यात्व स्वभाव में रत होकर तत्संबंधी प्रकृतियों में ही रत रहता है, राग की प्रकृति में रत रहता है, विभाव परिणाम करता है, ऐसे जीव को तेज काय में जाने योग्य अर्थात एकेंद्री पर्याय में उत्पन्न होने योग्य दोष पैदा होते हैं। ऐसा जीव तेज काय रूप एकेंद्री में जाने के परिणाम वाला होता है, फिर इंद्रिय रूप परिणाम में मिलता जुलता है, इंद्रियों में ही रमण करता है, वह जीव इंद्रियों में ही रंजायमान रहता है, इंद्रियों में ही आनंद मानता है, इंद्रिय विषयों में ही वास करता है, उनकी ही चर्चा करता है, उनके ही वचन बोलता है, विषयों पर ही दृष्टि रखता है, इंद्रिय आदि के विषयों को इष्ट मानता है, उनका ही अनुभव करता है, उन्हें और गहराई से समझता है, इंद्रिय विषय रूप स्वभाव होता है, इंद्रियों आदि के आहार में संलग्न रहता है, इंद्रिय विषयों में स्थित रहता है, इंद्रिय रूप चलन, इंद्रिय रूप बलन, इंद्रिय विषयों में रत होकर निद्रा, आसन, सुर शब्द, अदिष्ट सुर शब्द, गुपित सर, उत्पन्न सर, कमल सर आदि जो कुछ भी उसका आचरण है वह सब इंद्रिय रूप ही रहता है, इंद्रिय रूप ही आचरण करता है, चक्षु अचक्षु आदि सारे परिणाम उसके इंद्रियमय होते हैं, इन परिणामों से वह तेज काय में जाने की तैयारी करता है, इंद्रियों में ही गहरा गहरा अनुभव करता है, इंद्रियों का ही मन से विचार करता है, इंद्रिय रूपी वचन बोलता है, इंद्रिय रूपी काय रूप परिणमन करता है, इंद्रियों के भाव में ही शयन आसन उनका ही ग्रहण, उनको ही हितकारी मानना, उनमें ही अवगाहन करना, बाधा स्वभाव इंद्रियों में रत होकर उनमें ही संलग्न रहता है, ये नहीं जानता कि ये सब बाधा रूप संसार में मुझे परिभ्रमण कराएंगे, दुख देंगे, इंद्रियों में लगकर भयभीत रहता है, भयों को उत्पन्न करता है, फिर दृष्टि भय, झड़प भय, इन सारे परिणामों में रत रहता है, उसका ज्ञान इंद्रिय विषय रूप में ही रमण करता है, उसका सारा विज्ञान इंद्रियों के विषयों में रमता है, इंद्रिय विषय उसको प्रिय लगते हैं, इंद्रियों के रूप ही देखता है, इंद्रिय स्वरूप में रमणता ही उसे अक्षर स्वर व्यंजन मात्रा कानों पद अर्थ तियर्थ सहकार समय अवकाश रमण, इंद्रिय विषयों से ही सब प्रकार से अलंकृत रहता है, कहने का अभिप्राय उसका सारा का सारा आचरण इंद्रियों मय हो जाता है। इस प्रकार तेज काय में जाने वाला जीव नाना प्रकार से इंद्रिय रूप अपने आप को अनुभव करता है, उसका संपूर्ण स्वभाव तेज काय में जाने रूप इंद्रिय मय हो जाता है और अपने स्वभाव निस्वरूप को भूलकर उन इंद्रिय रूप स्थानों में ही आचरण करता है, अनंत भाव विभाव परिणाम करके इंद्रिय रूप स्वभाव में रत रहकर अनंतानुबंधी आदि कषायों का बंधन करता है। तेज काय में जाने रूप इंद्रिय स्वभाव में लगा हुआ जीव तेज काय में उत्पन्न होता है, उपयोगहीन, अपने आत्म स्वभाव रूप चतुष्टय संयोग से हीन, संसार में परिभ्रमण करता हुआ अंतर मुहूर्त में इस तेज काय पर्याय में 12,024 बार जन्म मरण करता है, अनंत काल कालांतर तक इस तेज काय रूप एकेंद्रीय पर्याय में एकेंद्रीय स्वभाव रूप होकर अनंत काल तक जन्म मरण करता रहता है। जब कभी कालांतर गुजरने के बाद इस तेज काय रूप इंद्री से विरक्त होकर कोमल स्वभाव का सहकार करता है, ज्ञान में अवगाहन करता है, दर्शन ज्ञान में स्वभाव को देखता है जिसे अभी तक नहीं देखा था, ऐसे स्वभाव का दर्शन करता है, अचक्षु दर्शन से अपने स्वरूप की आराधना करता है, गुप्त ज्ञान में रमण करता है, अनंतानंत ज्ञान में लीन होता है, तब मल विलाते हैं, विषय विलाते हैं, दुख विलाते हैं, तेज काय रूप एक इंद्रिय आदि पर्यायों में उत्पन्न होने के परिणाम विलाते हैं,
तेज काय रूप इंद्रिय स्वभाव को भोगने के परिणाम बिलाते हैं, उस परिणाम की अनुमोदना बिला जाती है और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से सत स्वरूप प्रकट होता है, विषय विलय को प्राप्त हो जाते हैं और ऐसा ज्ञान आराधना में संलग्न जीव मुक्त स्वभाव में रमण करके ज्ञान स्वरूप में ठहरकर मुक्ति गामी होता है। स्वभाव की साधना से, सिद्धत्व की आराधना से, तेज काय आदि एक इंद्रिय रूप संसार के परिभ्रमण से मुक्ति का मार्ग बनता है। इस प्रकार तेज काय निरूपण में गुरुदेव ने स्पष्ट किया है कि मन को अपने स्वभाव की साधना आराधना में लगाएं, प्रिय स्वभाव की रुचि जगाएं और स्वयं की लब्धि को उपलब्ध हो। स्वभाव का विस्मरण करके अगर मन रंजन, जन रंजन, कल रंजन आदि विकारों में लगेंगे, कषाय मल स्वभाव करेंगे, पर्याय दृष्टि से देखेंगे, दर्शन मोहांध रूप परिणामों से अंधे रहेंगे, सूक्ष्म स्वभाव नहीं देखेंगे, तो ये सारा आचरण तेज काय रूप एक इंद्रिय पर्याय में जाने वाला हो जाएगा। इंद्रिय विषयों में रमणता होगी और संसार का ये चक्र थमेगा नहीं। सदगुरु चेतावनी दे रहे हैं, इन सारे परिणामों से, विभाव भावों से ऊपर उठकर अपने स्वरूप की साधना आराधना करें, जिससे संसार के भोग रूप भाव परिणाम दुख कर्म विषय आदि विलय हों, निर्जरित क्षय हों और मुक्त स्वभाव में रमण करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। ऐसी पावन प्रेरणा इस तेज काय निरूपण के प्रसंग में गुरुदेव ने यहाँ दी है। आगे वात काय स्वभाव निरूपण करते हैं। वात काय का अर्थ होता है वायु काय। वायु काय स्वभाव का निरूपण कर रहे हैं। इस निरूपण में दृष्टि की प्रधानता है, स्वभाव की स्तुति साधना की प्रधानता है। पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, अथ वात्काय स्वभाव निरूपणम्। उत्पन्न उत्पन्न इष्ट, उत्पन्न उत्पन्न उष्ट इष्ट, दर्श दर्श इष्ट, उत्पन्न दर्श दर्श इष्ट, इष्ट उत्पन्न इष्ट इष्ट रमन, उत्पन्न इष्ट मय मूर्ति, इष्ट रंज उत्पन्न रंज इष्ट, लक्ष्य उत्पन्न लक्ष्य इष्ट, चेय उत्पन्न चेय इष्ट, वेय उत्पन्न वेय इष्ट, इच्छ उत्पन्न इच्छ इष्ट, पीयू उत्पन्न पीयू इष्ट, इष्ट रहनी उत्पन्न रहनी इष्ट, ग्रहणी उत्पन्न ग्रहणी इष्ट, मिलनी उत्पन्न मिलनी इष्ट, सहनी उत्पन्न सहनी इष्ट, पीखु उत्पन्न पीखु इष्ट, हित उत्पन्न हित इष्ट, औगाह उत्पन्न औगाह इष्ट, अगुर लघु उत्पन्न अगुर लघु इष्ट, अबाधा उत्पन्न अबाधा इष्ट, कृपक उत्पन्न कृपक इष्ट, जानु उत्पन्न जानु इष्ट, गुपित उत्पन्न गुपित इष्ट, गुहिज उत्पन्न गुहिज इष्ट, पद उत्पन्न पद इष्ट, विंद उत्पन्न विंद, कृपक उत्पन्न धुव उत्पन्न धुव इष्ट, मई रमन उत्पन्न मई रमन, मऊ अवकाश रमन मऊ उत्पन्न अवकाश रमन, गम्य अगम्य रमन रमन गम्य अगम्य उत्पन्न रमन, कुन्यान विली उत्पन्न कुन्यान विली इष्ट, कुमति विली उत्पन्न कुमति विली इष्ट,
कुश्रुति विले उत्पन्न कुश्रुति विले कुआउदि विले उत्पन्न कुआउदि विले इतकार। वात काय स्वभाव का निरूपण कर रहे हैं। इष्ट स्वभाव अंतर में उत्पन्न हो रहा है। पुष्ट नाम की दृष्टि इष्ट स्वभाव को प्रकट कर रही है। इष्ट का दर्शन वर्त रहा है। इष्ट की अनुभूति अंतर में प्रकट हो रही है। गुरुदेव कहते हैं इस इष्ट स्वभाव की जो अनुभूति प्रकट हो रही है इसी में रमण करो। स्वभाव इष्टता मय चैतन्य मूर्ति है जो अंतर में प्रकट हुई है। इष्ट स्वभाव में रंजायमान रहो। इसी से इष्ट में परिपूर्ण लीनता प्रकट होगी। लक्ष्य उत्पन्न लक्ष्य इष्ट यहां से लेकर आयरन उत्पन्न आयरन इष्ट यहां तक एक ही अभिप्राय से अलग अलग सूत्रों के द्वारा विभिन्न शब्दों के द्वारा ज्ञान स्वभाव की आराधना की है। अपने इष्ट स्वभाव को लखो। इससे स्वानुभूति प्रकट होगी। इष्ट चैतन्य स्वभाव है इसे अनुभवन में लो। चैतन्य अंतर में उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार वेदक जानने वाला स्वभाव ही इष्ट है। जिसकी इच्छा करना है जिसकी भावना करना है वही इष्ट है। प्रिय स्वभाव ही इष्ट है। स्वभाव में रहना इसको ही ग्रहण करना इसी से मिलना इसी को सहना इसी को देखना यही हितकारी है। इसी में अवगाहन करना यही अगुरु लघु स्वरूप है अबाधा स्वरूप है छायिक स्वरूप है पूर्ण ज्ञान में निष्पद है गुपित पद है गुहित है अपना शुद्ध सिद्ध पद है विंद निर्विकल्प स्वभाव है शुद्ध स्थान है और स्वरूप में आचरण करने वाला यही अपना इष्ट स्वभाव है। आचार्य कहते हैं यही इष्ट है इसी की आराधना करो इसी में लीन रहो निश्चित ही वह अपने अंतर में ही उत्पन्न होगा प्रकट होगा। लब्धियां भी सब स्वयं के स्वभाव में हैं जो अंतर में ही प्रकट होती हैं। छायिक स्वभाव इष्ट है इसमें ठहरने से ही छायिक उत्पन्न होता है। स्कंध अर्थात शुद्ध प्रदेश में अपना स्वभाव ही इष्ट है इसमें ठहरो इसी से स्वभाव की प्रकटता होगी। ध्रुव स्वभाव ही इष्ट है ध्रुवता में रहने से ही ध्रुवता उत्पन्न होती है। जो प्रकट हुआ है स्वभाव इसमय होकर अर्थात इसी में तन्मय होकर लीन हो जाओ इसमें तन्मयता रूप वृत्ति प्रकट हो जाएगी। स्वभाव के आराधन में रत रहते हुए इस स्वभाव में रहो निर्विकल्प होकर रमण करो। स्वभाव मय अवस्थाएं होंगी तब सारे विकार क्षय हो जाएंगे। जिस स्वभाव को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता इसे तुमने जान लिया है इसी में रमण करो। इसमें रमण करने से ही वह स्वरूप उत्पन्न होगा जिसे तुमने अनुभूति में लिया है। इष्ट स्वभाव के आश्रय से कुज्ञान उत्पन्न होना विलाते हैं। अपने इष्ट स्वभाव के आश्रय से कुज्ञान विलय क्षय हो जाते हैं। इष्ट स्वभाव के आश्रय से कुमति विला जाती है फिर कुमति का उत्पन्न होना ही समाप्त हो जाता है। इष्ट स्वभाव में रत रहने से कुश्रुत विला जाता है कुश्रुत का उत्पन्न होना ही छूट जाता है। हितकारी स्वभाव में रमण करने से कुअवधि कुज्ञान मिला जाता है कुअवधि फिर उत्पन्न ही नहीं होता। इस प्रकार अपने स्वभाव की महिमा है। सत्स्वरूप में रहने से निज पद प्रकट होता है। स्थान स्तुति पद इस पैराग्राफ से इसी पृष्ठ पर मध्य गुपित तक पंच स्थान स्तुति पद उत्पन्न हितकार स्थान स्तुति पद इष्ट उत्पन्न पद
उत्पन्न उत्पन्न रमन, उत्पन्न उत्पन्न इष्ट इष्ट रमन, चेत अवकाश इष्ट रमन, चेत अवकाश उत्पन्न रमन, अस्थान इष्ट आयरन, अस्थान उत्पन्न आयरन, रमन रमन रंज नंद आनंद, इच्छ गुपित ज्ञान आयरन रमन, इष्ट इच्छ गुपित उत्पन्न इष्ट ज्ञान रमन, पदीर्धति अर्थ इष्ट रमन, पदीर्धति अर्थ उत्पन्न रमन, मध्य गुपित अनंत इष्ट रमन मध्य गुपित। स्तुति करना है, भावना भाना है, तो एकमात्र अंतर में जो सब में ज्ञान उत्पन्न हुआ है, इस ज्ञान के सहारे अपने सिद्ध स्वरूप की निज पद की स्तुति करो, यही अपना स्थान है, यही अपना स्वभाव है। इसी स्तुति आराधना से इष्ट पद उत्पन्न होगा, स्वरूप में रमणता प्रकट होगी, अपने इष्ट स्वभाव में निरंतर लीनता प्रकट हो जाएगी। चेत फुर्सत में है इष्ट स्वभाव में रमण कर, चेत फुर्सत में है रमणता को प्रकट कर, अपनी अंतरात्मा को चेताना है। गुरुदेव हमसे कह रहे हैं जाग जाओ, चेतो, फुर्सत में बैठे हो, अपने में रमण करो। अरे घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, तो फुर्सत में तो हो ही है। कहते हैं चेतो, फुर्सत में हो, अपने स्वभाव में रमो, अपने स्वभाव में आचरण करना ही इष्ट है, अपने स्वरूप के आचरण को ही प्रकट करो। रंज रमन आनंद नंद आदि इन सब की भावना भाते हुए गुप्त ज्ञान स्वभाव में रमणता रूप आचरण को उपलब्ध हो। भावना अपने इष्ट स्वभाव की ऐसी भाव कि अंतर में प्रयोजनीय ज्ञान स्वभाव में रमणता उत्पन्न हो जाए, अपना निज पद त्यर्थमयी है, सरल सह स्वभाव है, ऐसे इष्ट स्वभाव में रमण करो। उसी त्यर्थमय ईर्ष निज पद की रमणता को उत्पन्न करो, अर्थात निरंतरता बनी रहे लीन रहने में, ऐसी स्वरूप रमणता की निरंतरता को प्राप्त हो जाओ। मध्य गुपित अनंत इष्ट रमन मध्य गुपित, पीछे जो मध्यम पद की बात कही थी करीब करीब उसी प्रकार का भाव है कि मध्य पद के अनुसार अपना अनंत इष्ट गुप्त स्वभाव है, ऐसे गुप्त स्वभाव में ठहरना, यही पुरुषार्थ है, यही मुक्ति का उपाय है। आगे सद्गुरु इस स्वभाव की साधना से सिद्ध पद की प्राप्ति का कथन करते हैं, ज्ञान स्वभाव में आचरण की महिमा को स्पष्ट करते हैं। अनंत इष्ट से कुल 5 पंक्तियां आयरन करोति तप वंच। अनंत इष्ट उत्पन्न रमन, उत्पन्न विमल इष्ट रमन, उत्पन्न शुद्ध विमल उत्पन्न रमन, आत्मगुण गुपित ठकार इष्ट रमन, आत्मगुण गुपित ठकार मुक्ति उत्पन्न रमन, अस्थान अस्थान इष्ट उत्पन्न आयरन मुक्ति तीर्थंकर उत्पन्न स्वभाव, तस्य अस्थान अस्थान आयरन ज्ञान इष्ट उत्पन्न आयरन करोति। अनंत इष्ट स्वभाव की रमणता को प्रकट करना ही साधना का सार है। इस साधना से अपने स्वरूप में रमणता रूप विमल केवल ज्ञान में स्वभाव प्रकट होता है, गुप्त आत्मगुणों में ठहर कर इष्ट स्वभाव में रमण करो। गुप्त आत्मगुणों में ठहर कर स्वरूप में रमण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्वभाव है अपना इष्ट, इस इष्ट स्वभाव के आचरण को अंतर में प्रकट कर लो। तीर्थंकर
और मुक्ति पद स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात संसार के 24 स्थानों से परे परम पद की उपलब्धि हो जाएगी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक ऐसे अपने स्वभाव रूप आचरण को करता है, इष्ट ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करता है और उसी में लीन रहता है। इस प्रकार ज्ञानी का आचरण अपने स्वभाव के आश्रय से वर्तता है। अब कुछ विशेष कहते हैं। यहां तक तो सामान्य बात थी, स्वभाव की बात थी, ईर्ष्य बात थी, सहज सरल बात थी। अब कुछ विशेष कहते हैं कि अब विशेष क्या है, और इस विशेष में आचार्य दर्शाते हैं कि अपने इष्ट स्वभाव को भूलकर जीव जब विभाव भावों की ओर देखता है, पर्यायी परिणमन में जुड़ता है, तो किस प्रकार से वात काय में जाने रूप उसके परिणाम होते हैं, इस रहस्य को आगामी पैराग्राफ में स्पष्ट करते हैं। किम विशेष से जीव आयरन स्वभाव मुक्ति गता वात काय निरूपणम तक पूरा वांचन करना। किम विशेष जथा अनिष्ट वै तव क्रिया क्लिष्ट, अनिष्ट तव दान पूजा क्लिष्ट, अर्थ विद्या व्याकरण सांख्य तर्क नैयायिक, ज्योतिष वेदांग छंद वेद अनिष्ट, मीमांसा न्याय अनिष्ट, धर्म अधर्म अनिष्ट, पुराण विकथा कलाप अनिष्ट, काव्य अनिष्ट, उच्चाटन ओहन स्तंभन विषय विशेष प्रपंच विभ्रम अनंत, अमर भरय पिंगल अनेक अर्थ सूर चंद्र संक्रमण, अग्नि पंचाग्नि नट नाट्य श्रुत अनंत, जिनय जिन पद लोपम कषाय मल मिथ्या शल्य भय, जनिरंजन कल रंजन मनिरंजन दर्शन मोहांध मोह माया, आरति रौद्र अनंत, विषय इष्ट उत्पन्न सहित वात काय विशेष स्थान उत्पन्न, हितकार सहकार अनंत आवरण ज्ञान आवरण दर्शन आवरण मान आवरण, अंतराय आवरण जम स्थान ज्ञान उत्पन्न, ते तम स्थान आवरण ज्ञान, वात काय स्वभाव वात काय जीव उत्पन्न प्रवेश भवतु, वात काय विशेष यदि कदि विशेष कालांतर, भ्रमण सहकार भ्रमत प्रयोग रहित दुख अंतर मुहूर्त मध्य, बारह सहस्र 24 बार जामन मरण भवती, यदि कदि कालांतर स्थान आयरन विशेष स्वभाव उत्पन्न लब्धि भवत, तदि कालांतर निकले स्थान आयरन स्वभाव, ग्रहण ग्रहण ग्रहितम अनंत चतुष्टय स्वभाव, दर्शन ज्ञान चरण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरण, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर्य अनंत सब, श्री सम्यक दर्शन श्री सम्यक ज्ञान श्री सम्यक चारित्र बल वीर्य विन्यास, शल्य राग द्वेष रहित घातिकम आवरण विले उत्पन्न विले भुक्ति विले विनंद विले सुपन विले अनमोद ज्ञान अवलवले विषय गले, देन केन स्थान आयरन स्वभाव उत्पन्न उत्पन्न स्वभाव ज्ञान अनुभूत, देन केनापि जीव आयरन स्वभाव मुक्ति गता। इति वातकाय निरूपण। वातकाय का स्वरूप गुरुदेव यहाँ कहते हैं ऊपर की पंक्ति से, अभी जो पिछले पैराग्राफ में हम लोगों ने वांचन किया था, स्वभाव की आराधना करने से, स्वभाव में लीन होने से मुक्ति पद तीर्थंकर पद प्रकट होता है। ज्ञानी ऐसे अपने स्वभाव को जानता है,
ज्ञान का बल लगाकर अपने इसी इष्ट स्वभाव को उत्पन्न करता है और उसी में आचरण करता है। स्वभाव को भूलकर, स्वरूप का विस्मरण करके जिन विभावों में लगता है, जिनके निमित्त से कर्म के बंध होते हैं और यह आत्मा वात काय की एकेंद्री पर्याय में चला जाता है, उन विभावों का स्वरूप गुरुदेव यहां कहते हैं। क्या विशेष बात है इस रहस्य में? स्वभाव को भूलकर जो भी जीव क्रिया कर्म करता है वह सब अनिष्ट कहलाती है। अनिष्ट व्रत तप क्रिया क्लेशकारी है, दुखदाई है। अनिष्ट भाव से तप दान पूजा करना क्लेश पैदा करने वाली है। अर्थ जानना, विद्या उपार्जित करना, व्याकरण पढ़ना, सांख्य दर्शन आदि को जानना, तर्क कैसे किया जाता है, तर्क के भेद प्रभेद जानना, नैयायिक दर्शन को समझना, ज्योतिष जानना, वेदों को अथवा वेदों के अंगों को जानना, छंद शास्त्र समझना, ये वेद आदि जानना सब स्वभाव के विस्मरण पूर्वक अनिष्टकारी है। मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन स्वभाव को भूलकर समझना अनिष्टकारी है। धर्म अधर्म के भेद प्रभेद समझना अनिष्टकारी दुखदाई है। पुराण पढ़ना, विकथा करना, कला कोई भी प्रकार की क्रिया या अन्य प्रकार से आडंबर प्रपंच करना सब अनिष्टकारी है। काव्य समझना अनिष्टकारी है। काम संबंधी उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, वशीकरण, विषय प्रपंच विशेष में लगना अनंत विभ्रम का, अनंत दुखों का कारण है, क्लेशदायी अनिष्टकारी है। अमरकोश, भरह, पिंगल शास्त्र, अनेक अर्थ को बतलाने वाले किताबें, सूर्य चंद्रमा के बदलाव, इनका जो पथ परिवर्तन होता है, उससे जो नक्षत्र बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं और विभिन्न प्रकार के समय आदि के योग उपस्थित होते हैं, चंद्र सूर्य की गति से, इनके बदलाव से, इनके पथ परिवर्तन से होने वाला विशेष योग जानना, अग्नि पंचाग्नि नट नाट्य आदि रूप शास्त्र बहुत प्रकार के हैं, इन सब के चक्कर में पड़ जाने से वीतरागी जिनपद का लोप हो जाता है। इसलिए यह सब अनिष्टकारी क्लिष्टदायी दुखदायी है। फिर विभाव में लगकर जीव कषाय विकार करता है, मिथ्यात्व का पोषण करता है, विपरीत मान्यताओं का पोषण करता है, शल्य में लगा रहता है, भयभीत रहता है, जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव, दर्शन मोहांध, इन सब में अंधा बना रहकर मोह माया आदि परिणामों में संलग्न रहता हुआ आर्त रौद्र रूप अनंत खोटे परिणाम करता है। विषयों को इष्ट मानता है, उनकी उत्पत्ति सहित होता है और उनमें ही रमता है, इन परिणामों से वात काय विशेष स्थान उत्पन्न, वात काय के एकेंद्री विशेष स्थान में अर्थात एकेंद्री पर्याय में उत्पन्न होता है। वात काय में जन्म लेने वाले जीव के परिणाम किस प्रकार के होते हैं, इस संदर्भ में गुरुदेव यहां कह रहे हैं, हितकार सहकार जान पद, पीछे जो उत्पन्न लिखा है ये उत्पन्न भी इसके साथ होना चाहिए, क्योंकि ये पंचार्थ का प्रसंग है पूरा। उत्पन्न, हितकार, सहकार, जान पद, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ज्ञान अर्थ और पय अर्थ, पद अर्थ, इनकी जो अनुभूति है, पंचार्थ की अनुभूति है, इस अनंत ज्ञान आदि की साधना पर, अनुभूति पर आवरण डाल देता है, अनंत कर्मों का आवरण कर लेता है,
ज्ञान पर आवरण कर लेता है, दर्शन पर आवरण डालता है, अहम अभिमान आदि के आवरण करता है, अंतराय कर्म के आवरण डालता है। जिस जिस स्थान में ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, उन सभी ज्ञान के स्थानों पर कर्म के आवरण कर देता है। इस प्रकार वातकाय स्वभाव का जीव एकेंद्री वातकाय पर्याय में उत्पन्न होता है, प्रवेश करता है। इस प्रकार वातकाय विशेष का स्वरूप है। उपरोक्त जो स्वरूप गुरु महाराज ने यहाँ कहा है, ज्ञान उत्पन्न होने के जितने जितने स्थान हैं, उन सब पर आवरण कर देता है। इस प्रकार वातकाय स्वभाव होने से वातकाय एकेंद्री जीव की पर्याय में उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार वातकाय का विशेष कथन किया। यदि कभी विशेष कालांतर भ्रमण सहकार भ्रमत प्रयोग रहित आदि जो वाक्य आगे हैं, यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि जब कभी विशेष काल गुजर जाने पर भ्रमण करते हुए जीव उपयोग रहित होकर अनेक दुखों को सहता हुआ वातकाय में एक अंतर मुहूर्त में 12,024 बार जन्म मरण करता रहता है, इस काल को हम कह नहीं सकते, गणना नहीं लगा सकते। विशेष काल कालांतर तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जब कभी विशेष काल गुजरे और स्वभाव का आचरण करने का योग बने तो कुछ काम बनता है जीव का, संसार की इन दुर्गतियों से बचने के लिए पंचेंद्री संगी आदि पर्यायों में, अर्थात पर्याप्त जागृत साकार उपयोगी भव्य इस प्रकार की विशेषताओं सहित जब जीव अपने स्वरूप को उपलब्ध करने की योग्यता रखता है, ऐसी अवस्था में स्वभाव प्रकट होता है, स्वरूप की प्राप्ति होती है, तब इन सारी पर्यायों के चक्र से बचकर वह भव्य जीव अपने स्वभाव में आचरण करता है, निज स्वरूप को ग्रहण करता है, अनंत चतुष्टय स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र अभेद स्वभाव की साधना करता है। भेद रूप में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र साधक अवस्था में उसे प्रकट होते हैं। इस साधना के बल से जब अभेद स्वरूप की रमणता को प्राप्त करता है, तब अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत बल अनंत सुख अनंत चतुष्टय की प्रकटता होती है और रत्नत्रय भी अभेद हो जाता है। श्री सम्यक दर्शन श्री सम्यक ज्ञान श्री सम्यक चारित्र भेद रहित स्वरूप में लीन यह भव्य जीव बल वीर्य विज्ञान सहित होता है। सत सल्य भय गारव राग द्वेष आदि विकारों से रहित हो जाता है। घातियां कर्म के आवरण बिला जाते हैं, कर्मों का उत्पन्न होना बिला जाता है, कर्मों का भोग करना क्षय हो जाता है। विनंद बिली सुपन बिली अर्थात दुख बिला जाते हैं, स्वप्न क्षय हो जाते हैं। एकमात्र अवलवली ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना निज स्वरूप में लीनता वर्तती है, जिससे विषय आदि भी गल जाते हैं। जिस किसी भी प्रकार अर्थात पूरे पुरुषार्थ के बल से सद पुरुषार्थ के द्वारा स्वरूप के लक्ष्य पूर्वक यानी अपने निज स्वभाव रूप स्थान में आचरण को उत्पन्न करता है, ज्ञान स्वभाव को अंतर में प्रकट करता हुआ उसमें लीन होता है। जो कोई भी जीव इस प्रकार अपने स्वभाव में आचरण करता है, वह इन समस्त एकेंद्री आदि के परिभ्रमण से और 24 स्थान रूप जगत के प्रपंच से मुक्त होकर मुक्ति गता मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसी महिमा है अपने स्वभाव की साधना की। गुरु महाराज 24 ठाणा ग्रंथ में दो ही बातें मुख्य रूप से कह रहे हैं,
स्वभाव का स्मरण रखेंगे, स्वभाव की साधना करेंगे तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। स्वभाव का विस्मरण करेंगे, भूलेंगे, विभाव भाव में रमेंगे, तब फिर ये अनंत संसार सामने है। क्रियाएं क्या होती हैं, परिणमन क्या चलता है, ये सब अलग बात है, किंतु विभाव भाव में हम रहेंगे, विभाव में राग द्वेष आदि में रमेंगे, इस विभाव परिणति से कर्म के बंद होते हैं और संसार का परिभ्रमण चलता है। गुरुदेव का पावन उपदेश है, स्वभाव की शरण में रहकर विभावों से दूर रहें, यही उपाय है इन संसार के 24 स्थानों से छूटने का। अपने ममल स्वभाव की दृष्टि बने, रागादि विभाव परिणामों से दृष्टि हटे, यही श्री गुरु महाराज की हम सब भव्य आत्माओं को मंगलमय प्रेरणा।